तुम मुंह उतरे अरे ना भैया कंप्लेंट डालो इसकी और साले का लाल करो अरे तेरी ऐसे के जैसे तू मेरी शक्ल देख ले पूरी ढंग से ओए। तो जय श्री राम सभी भाइयों को। तो गाइस आज है अपना डे टू इन माता वैष्णो देवी। तो भाई आज का अपना सीन है, हम जाएंगे भैरव बाबा के दर्शन करने रोप वे के थ्रू। तो आपको रोप वे का भी दिखाएंगे कैसे क्या सीन होता है और आपका सुबह सुबह दिन अच्छा कर देता हूँ। ये लो दर्शन कर लो माता रानी के। ये रहा आपका भाई, फोटो खींच लेते हैं। बाकी भाई चाचा ने बताया कि यहाँ पर था -1 तक टेम्परेचर गया है यहाँ पर रात में, नहीं सुबह -1 टेम्परेचर तक गया। तो हमने माइनस टेम्परेचर भी एक्सपीरियंस कर लिया। मेरा हाथ, मैंने फ़ोन पकड़ रखा है, मेरा हाथ सन हो चुका है। तो चलो भाई जब आपको दिखाते कैसे क्या होता है। रोपवे की टिकट लेने गए हैं हर्षर, प्रिंट आउट निकलवाने अपनी ऑनलाइन है, अपने को भीड़ में खड़े होने की कोई दिक्कत नहीं है। अपन सीधा जाएंगे, सीधा आएंगे और फिर दिखाते हैं भाई कैसे क्या कितनी भीड़ होती है कैसे, क्योंकि वहाँ तो फ़ोन अलाउड है, वहाँ की फ़ोन की कोई वो नहीं है। चलो जय माता दी गाइस। चेकआउट करके अब हम निकल रहे हैं भैरव बाबा के दर्शन के लिए। चाचा जय माता दी। जय माता दी, जय माता दी। तो चाचा आज हम भैरव बाबा के मंदिर जाएंगे और भैरव बाबा के मंदिर जाएंगे, उसके बाद वापस आकर भाई फिर बैटरी कार से नीचे जाएंगे। ठंड ठंड कैसी है? ठंड तो जीरो पे चल रही है बिल्कुल। माइनस में भी तो गया बताया आप, सुबह माइनस में था 5 बजे, हमने माइनस टेम्परेचर भी देखा। देखो ये रोप वे की लाइन, उस बिल्डिंग में जाना है, वहाँ से लेके और वहाँ पीछे तक भी लाइन है। मगर हमें क्या, हमने तो ऑनलाइन करा रखी है तो हम सीधा सीधा सेट पेड़ जाएंगे। ये देखो माता का दरा, और ये VIP दर्शन, ये सब खड़े ले रहे हैं। ऑनलाइन टिकट का है बेस्ट सिस्टम, में सीधा आओ यहाँ बाहर दिखाओ और आ जाओ, कोई लंबी लाइन नहीं। जो मैंने आपको सारी लाइन दिखाई ना, हम 5 आदमी के पीछे खड़े हुए थे बस, और हम अपनी उसमें ऑनलाइन वाली लाइन में आए। और फिर यहाँ भी आपको दिखाया जैसे सब टिकट ले रहे, हम सीधा साइड से आके अपने वेटिंग रूम में बैठे, पीछे अपने लोग रह गए 3। भाई ऑनलाइन इज बेस्ट, ऑनलाइन करा के आओ और सीधा जाओ। ये देखो भाई यहाँ से आते हैं ऑनलाइन वाले, और वो है जिनकी कोई पहले से टिकट रखी है, और यहाँ से चल के वहाँ जाना है और फिर आपको कलेक्ट करते हैं वहाँ पहुँच कर। होंगे भैरव बाबा के दर्शन, रोप वे से हम आ गए थे, वहाँ कुछ ज़्यादा है नहीं दिखाने को, वहाँ के यहाँ दर्शन करके थोड़ा व्यू भी दिखाएंगे और फिर चल देंगे। यहाँ से दर्शन वर्शन होके अपन करके आ चुके हैं, और चाची तो हमारी VIP दर्शन करी आई पहले ही। अब अपने दर्शन वर्शन हो चुके हैं बढ़िया तरीके से, अब अपन चल रहे हैं वापिस, क्योंकि अपनी 10 बजे की है वो इलेक्ट्रिक वाली कार। हाँ ये मगर बंद पड़ा है चाची, ये आपको हेलीपैड दिख रहा हो, ये बंद पड़ा है वो वाला, वहाँ कहीं पीछे ऊपर है। चलो अंदर बहुत है, मेरा फोन अंदर रख लेता। ये देखो जो आग कल दिखाई थी, ये पूरी अब यहाँ ऊपर से आके दिख रही है भैरव बाबा के यहाँ से। धुआं देखो, ये कोहरा नहीं है, सारा धुआं ही है इसका। वहां देखो आग बढ़ भी गई। पार्टी होगी, पार्टी चकना आ गया। चलो चकना आ गया, दे रहा है चलो। थैंक यू भैया। अब अपना निकलने का टाइम हो चुका है, तो माता के दरबार से विदा ले रहे हैं हम। 2 दिन बहुत बढ़िया हमारे अच्छे गए यहाँ पर, बढ़िया हर जगह दर्शन हुए। और जय माता दी। अब आपको नीचे उतरने का रास्ता दिखाएंगे कैसे जाएंगे कैसे जाएंगे, अभी तो उससे ही जाएंगे गाड़ी से, फिर आपको बाकी का दिखाएंगे। बाकी गाइस जय माता दी, बढ़िया अपनी सब सुविधा है, जो आना चाहे भाई आओ, बढ़िया अपना हर चीज़ की वो है, कोई चीज़ की कमी नहीं है, दिक्कत नहीं है किसी चीज़ की, सब चीज़ यहाँ अवेलेबल है, आप आओ बस मन से आओ।
पर है ब्रेकफास्ट चाय ब्रेड पकौड़े और बिस्कुट, फिर उसके बाद हम चलेंगे अपनी नानी में और यहाँ चल रहे भजन। क्या हो गया अपनी कुछ जो इलेक्ट्रिक वाली बोलते हैं उनके टाइमिंग की हो गई है झोल, तो आ रही है गाड़ी, हम दूसरी टिकट लेकर आए हैं फिर उनमें जाएंगे, बाकी ये सब जा रही है यहाँ से फिर अपनी आएगी जब हम ले जाएंगे। भैया हम बैठ चुके हैं अपने उसमें और आधे ज़्यादा रास्ता कवर हो चुका है और धूप आ रही है, चल रहे हैं हम नीचे फिर अर्ध पारी पे मिलके आपको जय माता दी। रिपोर्ट ये है, फिर से रुक गए हैं हम, बहुत रुक के चलते हैं हम, पता नहीं क्यों चल रहे हैं। चलो फिर फटाफट आपको नीचे का दिखाते हैं, कुछ इतना है नहीं चढ़ाई में जैसे इंटरेस्टिंग होगा। तो भैया अभी हम बैठे बाड़ में, अरे तू क्यों आगे झुक रहा है, बहुत ठंडा पानी है देखो, देख कपड़े गीले होंगे। मैगी ब्रेक के लिए रुके थे, बड़ी अच्छी वेजिटेबल मैगी मंगाई है सबने और खा रहे चल रहे। तो भाई अपना ट्रैक हो गया ख़त्म, बड़ा ही मज़ेदार ट्रैक था वापस आने का, तो कम से कम पता नहीं कितने घंटों में हमने ट्रैक पूरा करा है। हमारे करना क्या था, आराम से आना था अपना, आए बढ़िया मौज मस्ती करते हैं। तो चलो भाई नीचे जा रहे हैं और बड़ा ही सिंपल सादा सब लोग रहा है, ये कर रहे हैं वो कर रहे हैं, ज़्यादा दिखा लो, देखो इन्हें देखो। हाँ जी माता रानी के दरबार से अलविदा लेके हम चल दिए अपने घर की ओर, और अब हमारी है 7 बजे की ट्रेन, बाकी देखते हैं जो हमारा एक देवा माई मंदिर करके है वहाँ का अगर प्लान बनता है तो वहाँ भी जाएंगे, और अभी कुछ लोकल देखते हैं, टाइम है अपने भी लोकल फूड लोकल स्ट्रीट फूड देखते हैं, आपको दिखाते अपने साथ साथ। ये जो लोग सर पे बांध के जाते हैं और फिर यहाँ आकर अपनी बांध देते हैं, तो इतनी सारी है देखो वहाँ तक है पूरी, बाकी अब देखते हैं यहाँ कुछ बन का सिस्टम है, ये ट्राई करते हैं। भाई डंडों का स्टॉक चेक करो, पूरा भरा पड़ा है और यहाँ दुकानें नहीं है। पकोड़े फिर आपको रिव्यू देते कैसे थे, ऐसी कुछ प्लेट है मेरे फेवरेट हैं, छोड़ दे। वो कंकड़ आ गया, मजा ना आया ना, स्वाद सा नहीं बैठा एकदम से, है ना। जो सदर बाजार में स्कूल है ना एक, हाँ वहाँ पे देवर राम लड्डू एक नंबर की, क्या भाई साहब मैं तो उसके पास जाता हूँ, गुड़गांव उसके पास जाता हूँ, क्यों सही है भाई सर ले लो। देखो पूरे मतलब हर जगह पे ये दिख जाता है आपको, ऐसे चुन्नी लगी हुई पूरे में, देखो यहाँ बैरिकेड भी है सब ओके। और ये देखो गाड़ी पे क्या लिखा है, और फिर आपको दिखाता है शक्ल, बस कहाँ गए, बस इतना ही कॉन्फिडेंस चाहिए मेरे को, एक तो ऐसी शक्ल और ये लिखवा सकूँ गाड़ी के पीछे, सॉरी गर्ल मैं नॉम इज वेरी स्ट्रिक्ट, और शक्ल देखते उसकी एक से एक फन्ने का है यहाँ तो है? ये कुछ सोयाबीन क्या है भैया, ये क्या सब्जी है, सोयाबीन दे बन के बीच में लगा के देंगे, इसे ट्राई करता है भैया, कह रहे बढ़िया चीज होती है खा के देखते हैं, करते हैं इसे ट्राई, ट्राई एक सेकंड, तो अब करते भाई ट्राई, पहली बार खाया है, अलग टेस्ट है,
सोयाबीन का टेस्ट आ रहा है बढ़िया, मतलब सोयाबीन की है तो अच्छा है, ट्राई कर सकते हैं। भाई अभी हम चौक पे खड़े हैं, यहाँ मेन चौक है, इधर से जाते हैं और इधर चढ़ाई के लिए रास्ता जाता है। यहाँ पे भी देखो कैसे भाई कैसे जय श्री राम के लिए भाई सब कुछ रखा है, 22 तारीख के झंडे झंडे लग रहे हैं हर जगह और गाड़ियों पे भी दिख रहे हैं झंडे आते हुए, तो बड़ी अच्छी चीज़ है। देखो झंडे वहाँ भी, यहाँ भी भाई मैटर हो गया, तो बैग टूट गया पूरा यहाँ टैक्सी में आते वक्त। लो भाई बैट बॉल खेल के आए, फाइनली पहुंच चुके हैं अपना मेट्रो कह रहा हूँ रेलवे स्टेशन। ये रहा अपना लगेज, ये रहे सब मेरी चाची, तब चलेंगे घर को और घर पर मतलब गुड़गांव पहुंच के ब्लॉग एंड करेंगे और कुछ हुआ दिखाने को इंटरेस्टिंग तो दिखाएंगे आपको। बाकी ये झंडा देख लो अपने इंडिया का और ये क्राउड ऐसे बैठे हैं। ट्रेन आ गई मगर गेट बंद है, नाक बंद हो गई। तू अब तो जम्मू ही उतरे बेटा, भैया कम्प्लेट डालो इसकी और साले को लाउ करो। अरे तेरी ऐसे के जैसे तू मेरी शक्ल देख ले पूरी ढंग से, ओए उसमें बैठा ये थाने में कहां का दिल्ली पुलिस का है ये। ट्रेन के अंदर क्या चल रहा है देखिए आप, वीडियो बनाइए इसकी, देखो ये देखिए इनकी शक्ल भी देखिए। अब ये भाई भाई कर रहा है, अभी कह रहा था मैं देख लेता हूँ कौन कंप्लेंट कर इसी वीडियो में, उसकी शक्ल दिखाओ, उसकी शक्ल दिखाओ, इनके साथियों की भी शक्ल दिखाओ। ये ट्रेन के अंदर दिल्ली पुलिस का एक आदमी दारू पी रहा है और ये साहब साथ में खड़े हैं, ये दिल्ली पुलिस में अपने आपको सुल्तानपुरी पुलिस थाने का बताता है, SHO बताता है, फिंगर प्रिंट है और बोतल दारू की बोतल मिल गई है गाड़ी में और ये अभी वीडियो में भेज रहे हैं। और सरदार जी हमारे टीटी वो उनके साथ वापस ले ली, हमने रिक्वेस्ट करके कहा कि छोड़ दो, ये तो चुप हो गया, नहीं जाने दे, मैं देखता हूं कौन इसका क्या मतलब शक्ल दिखाई इसको, पूरा जाने दे अभी ठीक बनाता हूं। पुलिस भी आ चुकी है, ये मोदी राज में ऐसे हो रहा है क्या? मेरे हाथ से केस बाहर है, मेरे हाथ से केस बाहर है। अब मैं समझ गया, मैं आप लोगों से रिक्वेस्ट करता हूँ, मेरे पास समझा दिया है, नहीं ऐसा मत करियो भाई साहब, मैंने फोन किया गेट पे खड़े हो गए, ये छोड़ गए तभी तो। तो गाइस फाइनली दिल्ली पहुंच चुके हैं हम, भाई ट्रेन का सफर अब मैं गिर गया। भाई ट्रेन का सफर तो बड़ा मुश्किल है, एक तो जगह इतनी कम होती है, चौड़े इतने हो चुके हैं, बस पूछो मत, ठंड है बाकी भाई दिल्ली में वहां से ज्यादा। मार्केट आए थे तो देखो भाई आज दिवाली सेलिब्रेशन के हिसाब से हो रहा है, भाई हमने बम लगाया है, बोल सियापति रामचंद्र की जय। वाह भाई, कितने है पता नहीं, जितना भी होगा होगा नहीं 10-12 होगा, नहीं 30 है, 30 काफी टाइम लेता है ये। निखिल कहाँ है, यहाँ दवाई लेने आया था मार्केट में, जैसे भी आपने देखा होगा लोग बम फूट रहे थे, तो निखिल मिल गया था, उसने कहा भाई आ जाओ बम बम फूटते हैं। तो अभी बैक कैमरा करके दिखाता हूँ, इन्हें गुंजन बहन ने कुछ आर्ट कर रखी है यहाँ पे भाई मंदिर, और ये देखो भाई जय श्री राम, मेरी बहन हेलो जय श्री राम, जय श्री राम। ऑलमोस्ट कंप्लीट ही हो चुकी है तो चलो कंप्लीट करने देते। ये रे भाई खाटू श्याम जी अपने, रात में सीन ऐसा है, यहाँ पे बॉनफायर और यहाँ एक और पेटी है भाई, पूरा दिवाली का माहौल है, भारत का बच्चा श्री राम। अब गाइस बस मथुरा रह गया है,
मथुरा और हो जाए तो पूरा काशी तो सज गया ना, काशी भी रह रहे। अच्छा तो काशी भी सजानी है, मथुरा भी सजाना है। हिंदू है हिंदू हम, भगवान है रहे। लो जी बोल सियापति रामचंद्र की।